अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रोजाना सुनवाई शुरू होने की घोषणा से स्वाभाविक ही एक बार फिर इस मसले के हल की उम्मीद जगी है। दरअसल 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विभिन्न पक्षकारों के बीच बातचीत के जरिए इस विवाद का हल निकालने की कोशिश सफल नहीं हो पाई है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय होने तक अदालत इस मसले पर रोज सुनवाई करेगा। हालांकि जब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन किया था, तभी विभिन्न पक्षकारों ने यह कह दिया था कि आपसी बातचीत से इस मसले का हल संभव नहीं है, क्योंकि कई बार बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास हो चुका है और हर बार विफलता ही हाथ लगी है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय चाहता था कि अयोध्या का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और उसका समाधान सर्वसम्मति से निकाला जा सके तो बेहतर है, मगर वह प्रयास बेनतीजा रहा। दरअसल राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कई मामले दर्ज हैं और विभिन्न अदालतों में इन पर सुनवाई हो चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 साल पहले फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि का बराबर बराबर हिस्सा निर्मोही अखाड़ा रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांट दिया जाए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद चूंकि जन आस्था से जुड़ा है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की मंशा भी शुरू से ही यही रही कि इसका हल विभिन्न पक्षकारों के बीच आपसी बातचीत के जरिए निकल सके तो बेहतर है, मगर इस मुद्दे को इतना राजनीतिक रंग दिया जा चुका है कि बातचीत अक्सर गलत दिशा में मुड़ जाती रही है और सभी पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े रहते आए हैं। ऐसे में ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालना, उनकी पुष्टि करना और विभिन्न दावों की हकीकत समझना खासा उलझन भरा काम रहा है। फिर इस संबंध में अलग अलग अदालतों में ढेर सारे मुकदमे दायर थे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी मामलों को एक जगह इकट्ठा करके लगातार सुनवाई की जाए और जल्दी नतीजे पर पहुंचा जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन सभी मामलों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और उन पर सुनवाई के बाद 2010 में विवादित भूमि को 3 पक्षों में बराबर बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। जब इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो उसने भी नए सिरे से जानकारियां जुटाने का प्रयास किया। वहां इस मामले की सुनवाई पिछले साल से चल रही है।